हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम बात करेंगे टीएमजे डिसऑर्डर के बारे में, जो टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट हमारा यहाँ पर होता है। कैसा ये होता है, क्या इसमें प्रॉब्लम होती है, कॉजेज़ क्या होते हैं, सिम्टम क्या होते हैं और ट्रीटमेंट क्या दिया जाता है, ये सारी बात हम इस वीडियो में करेंगे। अगर आपको भी टीएमजे से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो वीडियो को लास्ट तक आपको ज़रूर देखना है। इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होगा, इन्फॉर्मेशन आपको अच्छे मिलेगी इसमें। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है अगर नए हैं तो, और बेल आइकन को क्लिक कर लेना है नोटिफिकेशन के लिए। चलिए शुरू करते हैं। मैं हूँ डॉक्टर हरिशंकर सोनी और आप देख रहे हैं इजी डेंटिस्ट्री। तो सबसे पहले टीएमजे के बारे में समझ लेते हैं, टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट। ये होता है यहाँ पर, अगर आप इसको फील करना चाहते हैं तो जो हमारा ये ट्रेगस होता है, जो छोटा वाला पार्ट होता है हमारे कान का, इसके लगभग ये निचले पार्ट से आप थोड़ा सा यहाँ पर अपनी फिंगर को रखेंगे और ओपन करिए, मुंह ओपन करेंगे तो आपको फील होगा लगभग ट्रेगस के थोड़ा सा साइड में, ये मिड नीचे वाले पार्ट से थोड़ा साइड में, और ओपन करेंगे तो ऐसा आपको फील होगा। जो मूवमेंट फील हो रहा है वो टीएमजे का मूवमेंट है, जो हमारा लोअर जॉ होता है ये कनेक्ट करता है हमारा जो स्कल होता है उससे। हमारा जो स्कल है अलग अलग बोन से मिलकर बना होता है, पूरा एक यूनिट होता है जो मोबाइल नहीं होता, हिलता नहीं है। सिर्फ हमारा जो जॉ है जो स्कल से कनेक्ट होता है ये मोबाइल होता है, ये मूवमेंट करता है। तो जहाँ पर हमारा जॉ हमारे स्कल से जुड़ता है, जहाँ मैंने आपको बताया, इसको बोलते हैं टीएमजे जॉइंट, टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट। ये मैंडिबल इसको हम बोलते हैं लोअर जॉ को, इसलिए टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट। अरे कैसा होता है पहले हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो जो हमारा स्कल है उसमें एक सॉकेट जैसा होता है यहाँ पर, और जो हमारा मैंडिबल है जो लोअर जो है इसका एक पार्ट होता है कॉन्डाइल, जो बॉल जैसा होता है। तो ये जो कॉन्डाइल है इससे कनेक्ट होता है स्कल से, और जब हम मूवमेंट करते हैं जैसे अभी हम बोल रहे हैं या मुंह को खोलते हैं या च्यूइंग करते हैं, तो ये मूवमेंट इसमें होती है, इसको हम बोलते हैं टीएमजे। ये जो जॉइंट है इसको हम टीएमजे जॉइंट बोलते हैं, टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट बोलते हैं। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आता है तो उसको हम टीएमजे डिसऑर्डर बोलते हैं। तो ये अब आपको समझ में आ गया टीएमजे क्या है। एक इजी करके आपको मैंने समझाने का ट्राई किया, एक स्लाइडिंग हिंज जैसा मूवमेंट इसमें होता है, और जो ये मैंडिबल का पार्ट है लोअर जॉ का ये कनेक्ट करता है हमारे स्कल से। तो इजीली आप इसको ऐसा समझ सकते हैं आसानी से। तो ये हमारा टीएमजे है, इसमें कोई प्रॉब्लम होता है तो उसको हम बोलते हैं टीएमजे डिसऑर्डर्स। अब हम समझते हैं कि इसके कॉजेस क्या क्या है, कैसे ये हो सकता है। तो जो इसके कॉजेस हैं वो डेफिनेट नहीं है कि एक ही कारण से हमें टीएमजे का प्रॉब्लम हो सकता है। अब पहले इसमें प्रॉब्लम क्या क्या हो सकता है हमें हम देखते हैं, अभी सिम्टम में हम देखेंगे पेन हो सकता है और अलग अलग चीज़ें। तो कॉजेज ये हैं कि अर्थराइटिस अगर आपको है, जॉइंट है, बोन का प्रॉब्लम है, अगर किसी भी टाइप का अर्थराइटिस है आपको, बोन का प्रॉब्लम है, बोन का डिसऑर्डर है, तो इसमें आपको प्रॉब्लम हो सकता है। इसके बाद जो डिस्क होती है, एक जैसा मैंने आपको बताया ये सॉकेट और बॉल, इसके बीच में एक डिस्क होती है, अगर उसमें कोई इंजरी हुई है, उसमें कोई प्रॉब्लम हुई है तो भी टीएमजे का प्रॉब्लम आपको हो सकता है। इसके बाद अगर आपका कोई दांत मिसिंग है, हाँ अगर आपका कोई दांत नहीं है या मल अलाइंड है, मतलब जैसे नॉर्मल हमारा ऑक्लूजन होना चाहिए ऐसा नहीं है, और आड़े तिरछे आपके दांत मिलते हैं, या पहले से या किसी कारण से मिलने लगे हैं, या डेंटल ट्रीटमेंट के कारण या फिर किसी एक्सीडेंटल प्रॉब्लम के कारण, तो भी टीएमजे का प्रॉब्लम होता है। मान लीजिए एक साइड उठा हुआ है तो दूसरे साइड प्रॉब्लम होने लगती है। और क्या कॉजेज हो सकते हैं, जेनेटिकल हो सकता है, अगर आपके पेरेंट्स में है तो आपको होने के चांसेस हो सकते हैं। अब जो मसल्स होती है, जो हमारा जॉइंट है, जो मसल्स होती है मूवमेंट में जो काम करती है, ओपन करने में और बंद करने में, सारे जो मूवमेंट होते हैं लेटरल मूवमेंट्स, अगर मसल्स में कोई इंजरी हुई है, कोई स्पाज्म हुआ है, प्रॉब्लम अगर कोई मसल में हुआ है, इसके कारण भी टीएमजे में दिक्कत होती है। क्या क्या प्रॉब्लम इसमें होती है, पेन हो सकता है, एक साइड पेन हो सकता है या दोनों साइड आपको पेन हो सकता है। जब आप खाते हैं, ये हम सिम्टम की बात कर रहे हैं, सिम्टम्स हैं ये, क्या क्या आपको हो सकता है, जैसे मैंने बताया आपको पेन हो सकता है। इसके बाद और जब हम मुंह को खोलते हैं, च्यूइंग करते हैं, उसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है, चबाने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और क्या हो सकता है, जो आपका जॉ है उसमें आपको पेन हो सकता है, आपका जो ईयर कान वाला जो एरिया है जिस साइड अफेक्टेड है वहाँ, या फिर दोनों साइड आपको पेन हो सकता है। इसके बाद जॉ लॉक की प्रॉब्लम आपको हो सकती है, मूवमेंट करने में आपको दिक्कत होगी। और सबसे कॉमन जो होता है जॉ क्लिकिंग साउंड, अब
यही आपको ध्यान से समझना है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि वीडियोस को पूरा देखें। जो जॉ क्लिकिंग की होती है आवाज़ जो होती है, जनरली ये नॉर्मल भी होता है, मतलब अगर आप मुंह को खोलते हैं और आपको थोड़ी सी आवाज़ आती है हल्की सी, तो कई बार ये नॉर्मल है, तो काफ़ी लोगों में ये नॉर्मल भी होती है। आपको इसके लिए कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती अगर थोड़ी बहुत आवाज़ आ रही है। अगर ज़्यादा आ रही है और आपको पेन है, डिस्कम्फर्ट आपको हो रहा है, तो आपको इसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो ये कुछ कॉजेज़ और सिम्टम है। कॉजेज़ में और भी है, जैसे ब्रुक्सिज्म, अगर आप क्लिंचिंग करने की आपको आदत है, ऐसा आप क्लिंच करके रखते हैं और क्रोनिक आप करते हैं, मतलब काफ़ी समय से आप करते आ रहे हैं, तो TMJ का प्रॉब्लम हो सकता है। स्पोर्ट्स इंजरी, अगर आपको कोई ऐसे स्पोर्ट्स में जिसमें इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा हैं, बॉक्सिंग वगैरह जो होती है, और भी जो इंजरी है, अगर उस पर कोई मसल डैमेज होता है या फिर आपके जो जॉइंट है उसमें आपको कोई डैमेज होता है, तो TMJ का प्रॉब्लम हो सकता है। साथ ही साथ जो एक्सीडेंटल तो हो ही सकता है, अगर एक्सीडेंट किसी भी प्रकार का हुआ है, ट्रॉमा हुआ है, तो TMJ का प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये कुछ कॉजेज हैं और सिम्टम हैं। अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की, ये ध्यान से आपको सुनना है। जो ट्रीटमेंट है, ज़्यादातर केसेस में आपको मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, मेडिकल एडवाइस आप ज़रूर ले सकते हैं। तो TMJ में अगर थोड़ा बहुत आपको प्रॉब्लम हो रहा है, तो ये सेल्फ केयर से ठीक हो जाता है। आप थोड़ा सा मूवमेंट सही करिए, थोड़ा सा आप रेस्ट दीजिए आपके जो जॉइंट है उसको, और धीरे धीरे करके ये ठीक हो जाएगा। अगर ठीक नहीं होता है, तो आपको मेडिकल एडवाइस लेनी है। ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, बढ़ रहा है, या फिर आपने रिसेंट कोई डेंटल ट्रीटमेंट कराया है, उसके कारण प्रॉब्लम हो रहा है, तो आपको चेक कराना है। और बहुत छोटे से प्रोसीजर होते हैं जिसके कारण TMJ में प्रॉब्लम होने लगता है, तो ये ठीक हो जाते हैं, आप इसका ट्रीटमेंट करा सकते हैं। तो जनरली सेल्फ केयर से TMJ का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। अगर थोड़ा बहुत है, क्लिकिंग साउंड है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा मैंने आपको बताया। अब अगर मेडिकल ट्रीटमेंट आप कराते हैं, ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो उसके लिए आपको एनाल्जेसिक्स दिए जाते हैं, पेन किलर जिनको हम जनरली बोलते हैं, वो दिए जाते हैं। इसके बाद एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स होते हैं, जो अगर इन्फ्लामेशन है, इन्फ्लेम हो रहा है आपका जो TMJ जॉइंट है, डिस्क है, मसल्स है, उसके लिए आपको मेडिसिन दी जाती है। और मसल रिलैक्सेंट दी जाती है, अगर मसल्स का कोई प्रॉब्लम है, मसल स्पाजम वगैरह है, तो मसल रिलैक्सेंट इसके लिए आपको दी जाती है। साथ साथ में एक्सरसाइज फिजियोथेरेपी आपको बताई जाती है, सजेस्ट की जाती है। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, तो फिजियोथेरेपी भी आपको आगे करानी पड़ती है, इससे धीरे धीरे करके ठीक हो जाता है। इसके अलावा न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स आपको दिए जाते हैं, जो विटामिन डी है, कैल्शियम है, और भी जो सप्लीमेंट्स होते हैं, वो आपको दिए जाते हैं। तो सेल्फ केयर में ये भी आप खुद से कर सकते हैं, जो नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं उनसे आप जो न्यूट्रिशंस हैं वो ले सकते हैं। तो ये सारा इसका ट्रीटमेंट है। इसके बाद कुछ केसेस में सर्जिकल ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत पड़ती है, अगर ट्रॉमा है, एक्सीडेंट है, उसके कारण कोई प्रॉब्लम है, तो सर्जिकल ट्रीटमेंट इसका कराना होता है। एंकलोसिस है, जो ओपन नहीं हो रहा है, तो ये सारी जो प्रॉब्लम है, जो लॉक की प्रॉब्लम है, ऐसे केसेस में सर्जिकल ट्रीटमेंट कराना होता है। तो अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो एक बार इसको चेक आप ज़रूर कराएं। तो होपफुली अब आपको TMJ के बारे में पता है, TMJ डिसऑर्डर के बारे में पता है, इसकी आपको जानकारी है, जो ट्रीटमेंट है, काफ़ी समय से इस वीडियो के लिए आप लोग बोल रहे थे, तो होपफुली आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर अच्छा लगा हो, तो इसको आपको लाइक कर देना है और शेयर कर देना है अपने फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट सेक्शन में आकर बताएं वीडियो कैसा लगा और किन टॉपिक पर और वीडियोस आप देखना चाहते हैं। चलिए जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।